आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया आप लोग एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों आज बात करेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में, पवार वर्सेस पवार, शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार। एनसीपी की पार्टी टूट गई है, शिवसेना के बाद ये दूसरी पार्टी है जो महाराष्ट्र में टूटी है और एनडीए के साथ गठबंधन में आई है। शरद पवार बोले पार्टी अध्यक्ष में, अजीत पवार बोल रहे हैं पार्टी मेरे कंट्रोल में। तो किसके कंट्रोल में है पार्टी और चुनाव आयोग किसके समर्थन में आती है या किसको देती है मैंडेट, इस पर सब कुछ जानेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं शरद पवार और अजीत पवार के बीच में जो तनातनी है और क्या है इनका घरेलू विवाद। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, एनसीपी में कुल 53 विधायक हैं, 53 एमएलए हैं, कौन किसके साथ, पिक्चर हो गई है पूरी तरीके से साफ। 3 विधायक अभी भी किसी के पाले में नहीं है। कल शक्ति परीक्षण होगा, आज दिल्ली में रन। एनसीपी की सियासी उठापटक के बीच अब ये साफ हो गया है कि कौन किसके तरफ है। एनसीपी का कौन सा विधायक अजीत पवार और कौन से विधायक शरद पवार के पाले में है। 3 विधायक ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो दोस्तों शरद पवार के साथ 18 विधायक है, जो कि आप नाम इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अजीत पवार की बात करें तो 32 विधायक के साथ साथ वरिष्ठ नेता छगन भुजबल भी अजीत पवार के ही पाले में नजर आ रहे हैं, जो कि इनका 15 इससे भारी है और 32 विधायक के साथ ये मजबूत नजर आ रहे हैं और एनसीपी के पार्टी सिंबल पे भी अपना इन्होंने अधिकार जताया है। चुनाव आयोग को बोला है कि ये मेरे पास होना चाहिए, एनसीपी का मैं अध्यक्ष हूँ। और 3 विधायक जो हैं उन्होंने अभी कुछ साफ नहीं है किया है कि वो किसके साथ जाएंगे। छगन भुजबल ने बताया कि अजीत पवार ने कहा है कि शरद पवार को अपनी जिम्मेवारी किसी और को देनी चाहिए। जैसे शरद पवार ने बयान भी दिया था कि अब वो 86 साल के हो गए हैं, 84 से 86 साल के बीच उनका उम्र है, उन्हें अब आराम करना चाहिए। और उस पर शरद पवार ने कहा है कि मैं अभी पूरी तरीके से फिट हूँ और एनसीपी का अध्यक्ष मैं ही हूँ। तो अभी ये मामला आगे खिंचता नजर आ रहा है और आगे बहुत लंबी ये जाएगी, क्योंकि शरद पवार अभी ऐसे छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनके बेटी का भविष्य का मामला है, क्योंकि सुप्रिया सोले को उन्होंने पार्टी का पूरी जिम्मेवारी एक तरीके से दे दिया था। यही मुद्दा है कि आपसी परिवार में इनका झगड़ा हुआ है कि अपनी बेटी को इन्होंने पार्टी का पूरा सत्ता दे दिया था, अजीत पवार को इन्होंने कुछ खास नहीं दिया। उसके बाद बात करें दिल्ली में आज अजीत और प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के दोनों के पार्टी दफ्तर से और बोर्ड से जो उनका होर्डिंग है उससे फोटो हटा दिया गया है। दिल्ली में पवार ने क्या कहा, जानकारी के लिए बता दें कि शरद पवार ने राजधानी दिल्ली में गुरुवार को एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और बैठक में शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को सीधी चुनौती देने का काम किया और इन्होंने कहा कि मैं साफ कर दूं कि एनसीपी का अध्यक्ष मैं ही हूं, कौन क्या बोल रहा है इस पर कोई अहमियत नहीं, मैं 82 साल का हूँ या 92 साल का, अभी प्रभावशाली हूँ। तो शरद पवार ने साफ कर दिया है कि मैं अभी 92 साल का भी हो जाऊँगा तो भी पार्टी अध्यक्ष मैं ही रहूंगा और मैं प्रभावशाली हूँ। तो अजीत पवार की मुश्किलें अब यहाँ से कम होती नजर नहीं आ रही, चाहे उनके पास 32 विधायक हो या पूरी की पूरी, क्योंकि एनसीपी का जो अध्यक्ष वो शरद पवार हैं और शरद पवार ने ही पार्टी बनाया है, क्योंकि शरद पवार बहुत प्रभावशाली नेता है महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में। दिल्ली के बैठक में पवार ने क्या कहा, जानकारी के लिए बता दें शरद पवार ने राजधानी दिल्ली में जो कहा है वो मैंने बता चुका हूँ कि 82 साल हो या 92 साल कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रभावशाली हूँ। तो दोस्तों अब चुनाव आयोग क्या फैसला लेगी, क्योंकि विधायक सबसे ज़्यादा तो अजीत पवार के पाले में है, हो सकता है कि पार्टी शिवसेना के तरह टूट जाए और सिंबल भी इन्हीं को मिल जाए, लेकिन फिर भी अजीत पवार को अगर मिलता है, लेकिन जनता का साथ तो शरद पवार का ही है, शरद पवार बड़े नेता हैं और पार्टी को उन्होंने ही बनाया है, तो जनता शरद पवार के साथ ही जाएगी। ये एक घाटे का सौदा हो सकता है अजीत पवार के लिए आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो उनके साथ है लेकिन आने वाले समय में वोट तो शरद पवार के ही नाम से मिलता है। तो देखते हैं क्या होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोग का क्या इस पर मत है। और आने वाले समय में अगर इसी तरीके का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों इस पर कोई और अपडेट आएगा, जैसे कल शक्ति परीक्षण है तो ज़रूर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। और अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो अपने फ्रेंड और फैमिली तक शेयर भी कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में।